सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल बाबा जान चैनल को मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए। ये एक वुड प्लानर है और इसका फील्ड कॉइल जला हुआ है, और आज हम इस वीडियो में आपको सिखाएंगे कि कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका आर्मेचर और ब्लेड रोलर निकालेंगे, और यहाँ पर आप अच्छी तरह देख सकते हैं कि इसका एक कॉइल काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है और दूसरा भी ख़राब है। और इसके साथ अगर आप गौर से देख लें तो इसका बॉडी भी क्रैक हो चुकी है और नीचे वाले साइड से एक टुकड़ा उड़ चुका है। तो यहाँ पर हम फील्ड कॉइल को निकालने के लिए इसके कनेक्शंस को कार्बन होल्डर से अलग करते हैं। अब फील्ड कॉइल का दोनों स्क्रूज निकाल देंगे। और प्लेनर को किसी लकड़ी के साथ इसी तरह मारकर फील्ड कॉइल निकाल दें। इस तरीके से फील्ड कॉइल बहुत आसानी से बाहर निकल जाएगा। पावर ऑन ऑफ स्विच से इसका कनेक्शन अलग कर दें। और आप देख सकते हैं फील्ड कॉइल अलग हो चुका है। इस केबल क्लंप को हटा दें। और बेरंग सेफ्टी प्लेट को भी निकाल दें। इसका एडजस्टमेंटल अलग करने के लिए इसके ऊपर वाला एडजस्टमेंट नाब खोल दें और ये प्लेट भी निकालें। इसके बाद ये प्लेनर प्लेट हटाना होगा। और ये फाइबर भी। और आखिर में कार्बन होल्डर निकाल दें।